हमारे साथ वसीम काजी जी हैं, मुस्लिम विचारक हैं, कई देशों में भारत के दूतावासों में काम कर चुके हैं। दिलीप सिंह चौहान हैं, राजपूत सेना से रोहतास सिंह चौहान है, वरिष्ठ पत्रकार। इसके सिवा भी अन्य कई अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे मुबारक हुसैन जी के पास। मुबारक हुसैन जी, क्या जिस दिन देश को मुबारकबाद देने की बात आती है, गणतंत्र जैसे दिवस पर जब हम तमाम लोगों को एक दूसरे को इस गणतंत्र की शुभकामनाएं देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, उस समय कुछ गद्दार धर्म के नाम पर अगर तिरंगे का विरोध करते हैं तो आप जैसे लोग चुप क्यों बैठते हैं? देखिए सुरेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि इस तरीके की जो भी घटना जहां पर भी ये घटी है, हम उसकी पूरी तरीके से मजम्मत करते हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, इससे हमारे मुल्क की छवि खराब होती है और ये देश जो हमारा सबका है, हम लोगों ने मिलकर के खून पसीने से इसको जिस तरीके से इसको इसकी सिंचाई की है, उसमें हम सब का योगदान है। हम सब अगर इस देश के हित में बात करेंगे तो हमारे देश का मैसेज जो यानी दूसरे देशों में दुनिया में वो अच्छा जाएगा। नहीं है, लेकिन केवल निंदा मत करिए, ये कहिए देश के प्रधानमंत्री को कि तिरंगे को रोकने वाले को गोली मारो। जिन लोगों ने भी तिरंगे को रोका है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज इससे बढ़कर के कहता हूं, मैं जानता हूं कि मैं जो बात कहने जा रहा हूं, मेरी इस बात से हमारे जो भी गेस्ट में है या जो यहां पे हमारे सामीन है, हमारी बात से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मैं कहूंगा उस बात को कि अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, उसमें ये लिखा था कि कुछ लोग बाइक पर सवार होकर के भगवा झंडा लेकर के वहां से वो गुजर रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि अगर हिंदुस्तान तो में झंडा लेके सुन लीजिए सुरेश जी, सुन लीजिए नहीं, हिंदुस्तान का झंडा लेकर के जाते तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, हिंदुस्तान का झंडा लेके जाते तो हमें आपत्ति नहीं थी। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, हिंदुस्तान का झंडा नहीं था, वो भगवा झंडा लेके जा रहे थे और उन्होंने ये कहा था कि आपको हिंदुस्तान में अगर रहना है तो आपको वंदे मातरम कहना पड़ेगा। उन्होंने ये क्यों कहा कि अगर आप देश में रहते हैं तो आपको कहना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा कहीं लिखा है। सुरेश जी, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। गलत लिखा है सुरेश जी। सुनिए, हमारा मजहब हमें इसकी इजाजत नहीं देता। हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान जिंदाबाद किनारे लगाते हैं और हम लगाते रहेंगे। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप सुरेश जी, बिल्कुल मैं अग्री करता हूं इस चीज से। गलत है सुरेश जी, गलत है। आप कुछ भी बोले मेरे जबान से नहीं बुलवा सकते, आप लोग मेरे जबान से कुछ नहीं बुलवा सकते। मुबारक जी, गलत बोल रहे हैं। आपके जुबान से क्या पाकिस्तान जिंदाबाद तो बुलवा सकते हैं? नहीं बुलवा सकते हैं। आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, जिंदाबाद के जब नारे लगाते हैं हम नहीं लगाते हैं। जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं उनको चौराहे पे आप गोलियां मारिए सुरेश जी, उसके बावजूद। अरे हम नहीं लगाते पाकिस्तान के नारे, हम क्यों लगाए पाकिस्तान के नारे? हम हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, सौ मरतबा लगाएंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा, किसी ने नहीं लगाया नारा। उनके खिलाफ कार्रवाई साजिश का। क्या भगवे का नाम आपत्ति में लेना चाहिए? आप कल कहेंगे कि यहाँ पर भगवा कपड़ा कैसे पहन के आ गए? नहीं सुरेश जी, ये तो होना ही है, सुरेश जी ये तो होना ही है। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं यहाँ के बैठे हुए सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ, आप पाकिस्तान मुर्दाबाद बुलवा के क्या आप हासिल करेंगे? आज लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है। नहीं वो बोले ही बोलेंगे, इसका कारण सुरेश जी वो नहीं बोलेंगे, सुरेश जी वो नहीं बोलेंगे। आपको ये समझना होगा, ये हिंदू समझना नहीं चाहता। सबसे पहले हमें आज अपने धर्म के संकट को समझना पड़ेगा और उसको समझने के लिए मैं सारे हिंदुओं से ये कहना चाहता हूं, पहले इस्लाम की कुरान को पढ़ें और इस्लामिक इतिहास को पढ़ें। जब तक हम 1300 साल से एक ही गलती बार बार मूर्खों की तरह दोहराते आ रहे हैं। अभी ये बच्चे कह रहे पाकिस्तान मुर्दाबाद, इन्हें तो ये पता ही नहीं पाकिस्तान का तो दुश्मन है ही नहीं पाकिस्तान हमारा। उसके लिए तो जो फौज वहां खड़ी है बहुत है, वो जिस दिन चाहेगी हमारी फौज, जिस दिन हमारे पास एक काबिल नेता होगा, पाकिस्तान को तो हम धूल दूसरी मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन भारत के अंदर जो नाग पल गए हैं, जो यहां भगवा को खत्म करना चाहते हैं, जिनकी लड़ाई हरेर को छोड़कर सबसे है, उन नागों का इस देश में क्या होगा? पहले तो ये मैं इन बच्चों से पूछना चाहता हूं। अभी हिंदू का कंफ्यूजन हिंदू के लिए सबसे खतर, ये खतरनाक नहीं है, ये कोई खतरा हिंदू के लिए थे ही नहीं। हिंदू के लिए तो हिंदू का कंफ्यूजन खतरनाक है, ये कंफ्यूजन हिंदू को जब तक समाप्त नहीं कर देगा जब तक छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सुरेश जी, मैं इसमें बिल्कुल कहना चाहता हूं। मौलानी ने अभी कहा
और जैसे कि अभी गुरुजी ने कहा कि ये पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे नहीं लगाएंगे, तो इससे ही पता चल जाता है कि ये कितने बड़े देशभक्त और देश कितने बड़े देश गद्दार हैं। दूसरी बात, जिस तरह से वहां पर हमारे भाई की मारा गया और वो शहीद हुआ, मैं उसको नमन करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ एक सबक सीखना होगा। मेरा इस देश 26 तारीख को जो गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, हम इसलिए मनाते हैं कि उस दिन हमारा संविधान लिखा गया था। लेकिन सुरेश जी, मुझे खुशी नहीं हो रही, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर अगर मेरे तिरंगे जब मैं फहराता हूं तो मैं उसे ठीक से फहरा नहीं पाता और देश के गद्दार हमारे को गोली मार देते हैं। जब हम रोड पर चलते हैं और हम अपने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं तो हम उसको खुलकर जिंदाबाद नहीं बोल सकते। तो क्या ऐसे हिंदुस्तान का चाहिए? देश कश्मीर में जब मेरे फौजी भाइयों पे पत्थर बरसाए जाते हैं तो क्या ऐसे संविधान को, क्या ऐसे संविधान से मैं खुश हो पाऊंगा? तो ये बहुत बड़े सवाल हैं, इसमें सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए। कानून सुरक्षा किसको दे रहा है? आखिर ये सारी चीजें किसके लिए सुरक्षित है? गाजी जी हमारे साथ है। गाजी जी, एक मां ने ही अपना लाल नहीं खोया, इस देश ने एक विश्वास भी खोया है। ये पहली घटना नहीं, इसके पहले भी सैकड़ों घटना घट चुकी है। देखिए, सबसे पहले तो हर नागरिक की, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो पहले भारतीय है और हमारा नेशनल फ्लैग है, वो हमको जोड़ता है, हमको बांटता नहीं है। और जो कासगंज में जो हादसा हुआ है, हादसा नहीं हमला है, हादसा नहीं है, आप हादसा कैसे कह सकते हैं इसको? आप कैसे कह सकते हैं कि हादसा है? हादसा कहकर आप तो शर्म आनी चाहिए, आप हादसा कह रहे हो? जो और ये पूरी प्लानिंग थी जो कासगंज में जो भी जो आप कह रहे हैं वो हुआ है। इस वक्त बहुत मजबूत हुकूमत है बीजेपी की, और जिसके योगी आदित्यनाथ जी सरबराह हैं, उसके चीफ मिनिस्टर हैं, और मैं समझता हूं कि उनके होते हुए, क्योंकि जिस मुद्दे पर हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, उसमें जो सबसे मूल बात उन्होंने कही है वो ये है कि सबका साथ और सबका विकास। तो लेकिन कुछ लोग केवल विकास नहीं चाहते ना, अगर वो तो चाहते हैं कि भारत का तिरंगा भी अगर माया ना घूमे। अगर मायावती की गवर्नमेंट होती, सुरेश जी सबसे बड़ी तकलीफ तो यही है कि योगी आदित्यनाथ जी वहाँ सीएम भाषण मत दीजिए, शॉर्ट में बोलिए। बीएसपी और समाजवादी पार्टी जैसी, अगर उनके गद्दार हैं वहाँ पर, उनके उन्होंने हमला करवाया है। अगर समाजवादी पार्टी या मायावती या कांग्रेस होती तो इस बात पे शक किया जा सकता था कि शायद अपीजमेंट की पॉलिटिक्स वहां की जा रही हो, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ जी की हुकूमत है और बहुत मजबूत हुकूमत है, वो चाहे तो जो बिल पास करवा सकते हैं, वो चाहे तो जो एक्शन ले सकते हैं, वो उनके पास पुलिस है, उनके पास इंतजामिया है, उनके पास जुडिशरी है, और मैं समझता हूं कि इसकी वाकई में सही तरीके से इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। और नेशनल फ्लैग का आदर करना हर आदमी का धर्म है, लेकिन उसके जो दूसरे भी पहलू हैं उस पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर देश बचेगा तो सब कुछ बचेगा, अगर मुल्क ही नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। इसलिए उस पर यह भी बात तय होनी चाहिए कि साहब, जो वीर अब्दुल हमीद तिराहे पर कुछ लोग जो झंडा फहरा रहे थे और 26 जनवरी का जश्न मना रहे थे, प्रोग्राम मना रहे थे, और उन्होंने बाकायदा ऑर्गेनाइज किया था, तो कुछ लोग एक दूसरा झंडा लेकर वहां चले गए। कौन सा झंडा? अब फिर आप इनमें वही बात, क्या फर्क है? सबसे सुरेश जी सबसे बड़ी तकलीफ भी यही है, ये सबसे बड़े दुश्मन भगवा झंडे के सबसे बड़े दुश्मन है। मैं आपसे बड़ा देशभक्त हूँ भाई साहब। कोई आप अगर देशभक्त होते भाई साहब तो शायद ऐसी बात ना करते। आपको तकलीफ नहीं होती? आपको एक बच्चे की वहां जान चलेगी अगर हम अपने भगवा झंडा आप करवा लीजिए, बात करवा लीजिए ना, आपसे ज्यादा नहीं निकले तो मैं गाजी करवा लीजिए, एक मिनट आप करवा लीजिए, एक मिनट गाजी जी, डीएनए पाकिस्तान जाए। देखिए, पाकिस्तान का झंडा जब फहराया गया था, पाकिस्तान का झंडा जब फहरा के लेके जा रहे हैं, जब आपको तकलीफ नहीं होती है? हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, ना हमें पाकिस्तान से कुछ लेना। अरे पाकिस्तान से का मतलब है आपको, सबसे बड़ी तकलीफ भी आपकी ये है कि आपको पाकिस्तान ही आपका असली देश है, हिंदुस्तान आपका असली देश नहीं है। आपकी हुकूमत है उत्तर प्रदेश में, आपकी
चलिए चलिए ऐसा है, मैं ऐसी कहना चाहता हूँ, आप किससे शिकायत कर रहे हैं? चेतना जी, हाँ, यही तो मतलब निकल रहा है, मतलब तो यही है, मतलब तो इनके बात का वही निकल रहा है। सुरेश जी, मैं यहाँ के मुसलमानों को, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये तो तय है, क्या आप लोग ये नहीं देख रहे कि आईएसआईएस जितने भी लोगों को कत्ल कर रहा है उन्हें भगवा पहनाकर कत्ल कर रहा है? क्या हिंदुओं की आंखें बंद हो चुकी हैं? बिल्कुल, सारी थ्रेट केवल और केवल इस्लाम की, इस समय भगवा को है, ये हिंदू को मानना पड़ेगा। ये शर्म की बात है। पहली बात तो हिंदू को यह सीखना चाहिए कि कहां ताली बजानी है और कहां शर्म करनी है। पहले तो आप आईएसआईएस की सारी वीडियो देखिए, देखिए वो लड़ अरब में रहे हैं, लेकिन धमकी भगवा को है। अगर हिंदू सारा आंख बंद करके शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन रेत में डालकर बैठ गया है तो उसमें कुछ लोग क्या कर सकते, इन बिचारों की क्या गलती है? ये केवल वही काम कर रहे हैं जो इनकी कुरान इन्हें कहती है, जो इनका इस्लाम का इतिहास इन्हें कहता है, और हम हिंदू भी पिछले 1300 साल से जो कर रहे हैं उसी को कर रहे हैं। ये कत्ल करेंगे, हम केवल रोते रहेंगे। योगी 1300 साल में, एक मिनट, जब आप बोल रहे थे मैं बोला नहीं, 1300 साल में 250 करोड़ से ज्यादा लोग इन्होंने कत्ल कर दिए। एक और कत्ल होगा, क्या बात है, कल सुरेश जी मेरा कत्ल होगा, परसों चेतनानंद जी का कत्ल होगा, एक दिन आपकी बारी आएगी। हिंदू के साथ यही होना है, क्योंकि हमने सबसे बड़ी गलती की जब ये देश बटा था, तभी यहाँ का ध्वज भगवा होना था, या तिरंगे की जरूरत नहीं थी। और जितनी जल्दी ये गलती सुधार ली जाएगी, इस देश का सुधार संभव है। अब देखिए, दूध के अंदर एक बूंद भी दही की गिर जाए तो दूध फट जाता है। हम दूध है और इस्लाम तेजाब है, हम इसके साथ रह नहीं सकते। सुरेश जी, जब ये एक मिनट रोहता जी, मैं सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपना भाई मानता हूँ, हमारे भाई हैं ये, लेकिन हम इन्हें चेतावनी देना चाहते हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा ना लें हिंदुस्तान का मुसलमान, या तो आप में आ जाए, वरना हम बहुत कुछ करने को तैयार बैठे हैं। देखो जी, इनके भाई होंगे, मैं भाई ना थे ना है ना हो सकते, ना कभी हो सकते। सुरेश जी, जिनकी धर्म की किताब में हमारे कत्ल के लिए लिखा हुआ है, वो इस चौहान के भाई होंगे। मेरे भाई ना थे ना है ना हो सकते हैं। सुरेश जी, जब ये देश, जिनको भाई कह रहे हैं उनको तो पूछिए कि उनकी और मेरी माँ कम से कम भारत माँ तो एक है क्या? नहीं है ना, नहीं है, नहीं है। मुबारक जी, बताइए, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे, मतलब माने कहेंगे, एक ऐतिहासिक तथ्य माने कहेंगे। एक मिनट, आप इस भारत माता को माने मानते? एक मिनट, सुनते हैं ना जरा, हिंदुस्तान करोड़ों लोग देख रहे हैं, पता चले कि एक मस्जिद में सवाने वाला काजी क्या बोल रहा है, सवाल क्यों नहीं है? सवाल ये तो हमारे देश से बड़ा कुछ नहीं होता, और ये देश को ही, ये अपने देश को ही कुछ नहीं मानते, जिस देश के अंदर ये खाते हैं उस देश को ही, उस देश की थाली में छेद करते हैं ये वो लोग हैं। इनको माइक दीजिए, अब आप बताइए, आप जिसको, जिसकी आपकी माँ एक नहीं, जो आपका देश एक नहीं मानता, अभी बताइए रोहता जी, आप भाई बोल रहे थे, वो तो आपकी माँ को अपनी माँ नहीं मानते, तो कैसे एक भाई हो गए आपके? सुरेश जी, हम तो एक संदेश देना चाहते हैं इन्हें, अगर हम ये इन्हें दुश्मन मान, अगर दुश्मन मानते तब तक इन्हें भगा देते, हम भगा दिए 1300 साल में ये संदेश देते देते भग गए, अब बहुत हो गया सुरेश जी। सुरेश जी, अब एक सुरेश जी, 1300 साल हो गए ये संदेश देते देते। सुरेश जी, मेरा हमारी केंद्र सरकार से, मोदी जी से, और हमारे राष्ट्रपति जी से, और अपने देश के सुप्रीम कोर्ट से एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक ऐसा संविधान लेके आए, एक ऐसा कानून बनाए कि जो भी हमारे देश के अंदर हमारे झंडे की अगर कदर नहीं करता तो उसको सरेआम, जिस तरह दूसरे देशों में गोली मार दी जाती है उनको सरेआम गोली मार दी, जब तक अगर ये नहीं होगा तो ये ऐसा ही चलता रहेगा, अन्यथा वो दिन दूर नहीं कि हम, हमारा देश भी पाकिस्तान, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमें क्या मिला था? दो देश हमारे चले गए थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश। वो देश पहली बार ऐसा हुआ कि किसी धर्म के कारण कोई देश बना हो, लेकिन हिंदुस्तान को क्या मिला? अगर देश धर्म के नाम से ही बढ़ना था तो जितने भी मुस्लिम यहाँ से हिंदुस्तान के थे वो पाकिस्तान जाने चाहिए, और जितने भी हिंदू पाकिस्तान में थे वो यहाँ पर, लेकिन हमारे जो नेहरू थे उन्होंने ऐसे, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं विभाजन तभी स्वीकार करूंगा जब आखिरी मुसलमान उधर जाएगा। बिल्कुल, 75 लाख गए हमारे, वहां जो कई करोड़ थे वो अब खत्म हो गए, 1% कहने के लिए है। मैं अपने सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया, मैं कोर्ट को पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास तो पद्मावती फिल्म लोगों को स्वीकार न होने के बावजूद भी पुलिस की सुरक्षा देकर चलाने की इतनी बड़ी सिस्टम है? अगर राज्य सरकार नहीं सुनती तो आप उसके ऊपर दंडा चलाने को तैयार है?
क्या इस देश का सुप्रीम कोर्ट जो पद्मावती के लिए ताकत लगा रहा है उतनी ताकत इस देश में तिरंगा यात्रा की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं लगाता, ये कोर्ट को पूछना चाहिए। सुरेश जी, जब ये पद्मावती का जो आपने जिक्र किया, हमने पद्मावती का काफी विरोध किया, लेकिन सरकार के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास हमारे राजपूत भाइयों को गुंडा, मीडिया ने पूरे मीडिया ने कहा कि राजपूतों को गुंडा, और उन्हें 300 साल लगाई और ऐसे ऐसे मुकदमे दायर किए। लेकिन एक देश के अंदर हमारा भाई अगर भारत जिंदाबाद के नारे और झंडे को फहरा रहा था तो उसको गोली से मार दिया, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमें सबसे पहले इस लाइन को पकड़कर इसके रचयिता को ढूंढना चाहिए। वो पाकिस्तान चला गया था, पाकिस्तान चला गया था। जो सबसे खतरनाक आतंकवादियों के जो सरगना है उनसे यदि पूछेंगे आप तो केवल और केवल अल्लामा इकबाल की थ्योरियों को वो फॉलो करते हैं। और अल्लामा इकबाल ने क्या तक कहा था, हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं, के है जिंदगी बाज की जाही दाना, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। हमारी हत्या, हमारी बहन बेटियों से बलात्कार, ये केवल इनके लिए एक खेल है, और ये मनहूस खेल यहाँ शुरू हो जाएगा यदि यह मुसलमानों की जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रही। यदि जनसंख्या को नहीं रोका गया, अगर एक कानून मोदी सरकार हमने यात्रा का प्लान किया तक आ गया है, सबको समाप्त करेगा। ये जो बात महाराज जी ने यहाँ पर कही है, इसके लिए राष्ट्र निर्माण ट्रस्ट की तरफ से हम देश भर में जनसंख्या नियंत्रण कानून इसकी बात कर रहे हैं। इसके लिए यात्रा शुरू करें 18 फरवरी से, जम्मू से और कश्मीर तक, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक जाएंगे, उत्तर और पूर्व भारत के थ्रू, और उसके बाद दक्षिण और पश्चिम और मध्य के द्वारा दिल्ली तक आएंगे 22 अप्रैल को। बात तिरंगे के अपमान से शुरू हुई है, लेकिन उसकी स्थिति, कारण, परिणाम के साथ उपाय भी ढूंढना चाहिए, और उसमें उपाय के तौर पर एक बड़ा हथियार है, क्योंकि हिंदू जहां जहां घटा है वहां वहां देश बटा है, और इसी का यह उदाहरण है। कासगंज में आखिर ऐसा क्यों हुआ मुझे बताइए मुबारक जी, कासगंज में आखिर इसलिए तो नारे लगे ना, क्योंकि वहां पर हिंदू कम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जहां पर एक घटना घट रहा है वहां हिंदू कम है। देखिए सुरेश, कासगंज के जिस मोहल्ले में ये हुआ वहां पर हिंदू कम है। सुनिए, आप सुनिए सुरेश जी, अगर कोई मुसलमान आपके चैनल पे आता है, वो चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, तो ऑडियंस का ये जो रवैया है, मैं नहीं समझता कि इस तरीके से कोई भी शो चलता है। अरे सुरेश भाई सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट ध्यान रखिए, जितने एक एक मिनट, अरे आप चुप रहिए भाई, आपसे बात नहीं हो रही है, एक मिनट आपसे बात नहीं हो रही है। देखिए, नफरत भरी आपके दिल में, नफरत भरी आपके दिलों में, मुसलमानों के लिए नफरत भरी आपके दिल में, मुसलमानों के लिए नफरत भरी हुई आपके दिल में। मुबारक जी, हाँ मुसलमान न मारा है, मुसलमानों के लिए आपके दिल में नफरत भरी है। एक मिनट, एक मिनट, बिल्कुल है, बिल्कुल आप, बिल्कुल मुबारक मुबारक, एक इन्हीं से बात करिए आप, इन्हीं से आप पूछ लीजिए, मुबारक जी, जी इन्हीं से पूछिए आप। एक मिनट, एक मिनट, दर्द है? नहीं नहीं, आप बस आप बोलिए, अरे तो उसकी निंदा कर रहे हैं हम, उसकी हम निंदा कर रहे हैं, उसकी हम कठोर निंदा कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा। अरे तो और क्या करें हम, क्या सुप्रीम कोर्ट है हम, क्या वजीर आजम जी? मुबारक जी, आपने कहा था कि इतने सारे हिंदू हैं, आप अकेले इसमें आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, इतना ध्यान रखिए, जहां पर भी ज्यादा हिंदू है, नहीं सुनी जा रही है पूरी, मेरी बात नहीं सुनी जा रही है हिंदुस्तान में, जरिए से अभी सुनिए पूरी बात, जहां भी दुनिया में हिंदुस्तान में या कहीं पर भी हिंदू ज्यादा है और मुसलमान कम है, इसका मतलब मुसलमान सुरक्षित है, और जहां पर भी ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं करता आपके पास से, जहां पर मुसलमान ज्यादा है आप हिंदू कम है, और हिंदू सुरक्षित है, आप लोग ऐसी बात कर रहे हैं, मैं नहीं करता एग्री आपकी बात से। इस देश का मीडिया जिस अखलाक के मरने पर दहाड़ मार मार के रो रहा था, और जितने भी बुद्धिजीवी इस देश में, पत्रकार या अन्य जो भी जो सम्मान प्राप्त लोग अपना पुरस्कार वापसी कर रहे थे, आज के समय में वो सब कहां सो गए, कहां दिखाई नहीं दे रहा, उनको सांप सूंघ गया या कहां है वो, इस देश के कोने में किसी नजर ही नहीं आते हो। बिल्कुल, क्या बिल्कुल है इस देश की वापसी वाली, हिंदू मरा है इस विषय में बोलने के मरने पर
कोई भी मीडिया सिर्फ एक सुदर्शन न्यूज को छोड़कर मुझे न्यूज ही नजर नहीं आती। बिल्कुल, आप लोगों को यह भी बता दूं कि कल तक ये खबर किसी ने नहीं चलाई थी। कल जब मैं दिल्ली में लौटा, मैंने एयरपोर्ट से फेसबुक लाइव किया और कहा कि इस मुद्दे को हम उठाने वाले, तो कुछ पत्रकारों ने मुझे कहा कि इस मुद्दे को हम इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि दंगा हो जाएगा, आप उठाओगे तो हम भी उठाने के लिए मजबूर होंगे। हमने कहा बाकी मीडिया को मजबूर किया है हमने सुदर्शन ने हिंदू की आवाज उठाने के लिए, और इसलिए सुदर्शन चालू हुआ और इसीलिए हमने चैनल चालू किया हुआ है। हाँ सुरेश जी, अभी सर ने बोला कि साहित्य का जो पुरस्कार वापस करने वाले थे वो कहाँ है? घटना होती है कासगंज में, मैं कवि हूँ सुमित द्विवेदी दिलकश, मैं दो दिन इंतजार करता हूँ उन पुरस्कृत साहित्यकारों का कि जो अखलाक पर रो रहे थे, समंदर भर आंसू बहा रहे थे, किसी ने नहीं लिखा। फिर मैंने एक गीत लिखा है 20 सेकंड का, जल्दी कुछ उसके हिस्से पढ़ देता हूं, अगर आप सहमत हो तो समर्थन कीजिएगा। कि चंदन ये तेरा दोष नहीं, ये दोष हमारी सोच का है, चंदन ये तेरा दोष नहीं, ये दोष हमारी सोच का है, राष्ट्रभक्ति के पैरों में कसकर आई मोच का है। और अभी साहब ने कहा था कि भगवा झंडा फहराया गया, अरे भगवा यहां नहीं फहरेगा तो कब फहरेगा? उस पर बंद पड़ता हूं, इतनी नफरत भगवा से कि कर कुछ भी ये डालेंगे, अरे आपका रंग भी भगवा है क्या उस पर पानी डालेंगे? वाह, और क्या होता है भगवा, सूरज जब उगता ढलता है नव भगवा हो जाता है, त्याग समर्पण हो हम में तो सब भगवा हो जाता है, अभिव्यक्ति के नाम पे चलती बेहुदा हर चोच का है, चंदन ये तेरा दोष नहीं ये दोष हमारी सोच का है। वाह, अगला बंद है कि भैया भगवा था, आपको भगवा से समस्या थी, लेकिन वहां एक और झंडा था कि श्वेत हरा के सरिया भी था उसकी इलाज तो रख लेते, श्वेत हरा के सरिया भी था उसकी इलाज तो रख लेते, हाथ में मुल्क का झंडा भी था उसकी इलाज तो रख लेते, दिन भी ऐसा जिसने तुमको कुंठा से आजाद किया, ऐसे पावन मौके को क्यों लहू बहा बर्बाद किया, फल है ये गद्दारी का या राष्ट्रभक्ति में लोच का है, चंदन ये तेरा दोष नहीं ये दोष हमारी सोच का है। जय हिंद। मुझे लगता है कि चंदन को इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती, और इस चंदन ने अपना प्राण देकर अपना सुगंध देशभक्ति का चारों तरफ फैलाया है, लेकिन इस सुगंधित चंदन के देशभक्ति की जान लेने वाले दुर्गंधियों को जब तक खत्म नहीं करेंगे हमारा कर्तव्य पूरा नहीं होगा, और इसलिए इस दोष को जो कवि ने कहा है इसको हमको दुरुस्त करना पड़ेगा। उसके क्या उपाय हो सकते हैं यह भी सोचने की आवश्यकता है। चंदन के परिवार ने सुदर्शन से बात करते हुए क्या कहा इसको सुनते हैं। लल्ला लाया सरकार से आप क्या कहेंगे? हमारी लल्ला ला दे, हमारे आपकी मुलाकात उनसे कब हुई थी आखिरी बार जब वो जा रहे थे? कब आए मेरी ज्यादा मुलाकात ना भाई, मैं पूजा पाठ कर रही बा दिन, लल्ला दूध दे के लेके दे गया मुझे, मम्मी मैं रेलिंग में जाऊंगा, मैंने कहा चला जाना थोड़ी देर रुक जा, मैं जाऊंगा तैयार हो के, फिर वो चला गया दूध दे के मुझे, खीर बनाई एक भगवाना एक, इनकी हालत बहुत खराब है इस समय, ये बिल्कुल भी अपने दिमाग से नहीं है, ये अभी कुछ नहीं कह पा रही हैं, इनकी हालत इस टाइम बहुत खराब है, बहुत नाजुक है, ये कुछ नहीं समझ। उसने जितने भी उसके फ्रेंड्स थे सबको कांटेक्ट किया और व्हाट्सएप पे फेसबुक पे सबको डाल दिया कि सुबह 8 बजे पार्क में सबको मिलना है। सब लोग वो इकट्ठा हुए और अपनी अपनी बाइक्स पे फ्लैग लगा के रैली निकालने लगे, रैली निकाल रहे थे पूरे शहर में। वो जिस जगह मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है उस जगह पहुंचे, उस जगह क्या हुआ, उन लोगों ने सबको रोक लिया, आगे से सबको रोक लिया। पहले तो वो उनके साथ कहने लगे हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, फिर थोड़ी देर बाद वो कहने लगे कि अब यहाँ पर बोलो तुम हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद, तब हम आगे बढ़ने देंगे। तो वो आगे बढ़ने लगे, तब वहां पर वो आगे कुछ भी हुआ हो उन्होंने बोतल फेंक के मारी है, क्या किया है, सब लोग अपनी बाइक छोड़ छोड़ के वहां से भागने लगे। तभी से ये हो गया और उन्होंने चैन वगैरह ईंट पत्थर मारना स्टार्ट कर दिया, हाथ में झंडे लेके वंदे मातरम कहते हुए जा रहे थे, उन्हीं से उधर से ही फायरिंग स्टार्ट हुई सबसे पहले। और यहाँ पे इनके हाथ में तो कुछ नहीं था, केवल झंडा था बस, ये क्या करते, भागने के अलावा इनको और कुछ दिया ही दिखाई नहीं। आपके भाई को कितनी गोलियां लगी थी और मौके पे क्या हालात था जब आप गए वहां पे, आपने उनको देखा? उसको एक ही गोली लगी, वो बस भाग के गली से बाहर आ गया था,
उसको हम ऐसे ही बाइक वाइक रोकी, किसी की बाइक वाइक नहीं मिली हमें, हमने पुलिस की वैन में डाला उसको और सीधे मैंने अपने पापा को भी डाला है और वो सीधे हॉस्पिटल लेके गए। मैं किसी की बाइक अरेंज करके हॉस्पिटल पहुंचा हूँ, रास्ते में मेरे को फोन आ गया कि वो नहीं रहा। हम मेरे भाई को बस एक शहीद का दर्जा दिया है बस, और न्याय मिले। हमको जितने भी हमने जो FIR करी है उसमें जितने भी नाम है सबके, सबको अरेस्ट किया है। जो जितने मुस्लिम थे उन्होंने चलाई थी और बच्चे को रोक करके ये कहता कि ये के पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद। इसके बाद ही वहाँ पूरा माहौल जो है बिगड़ा। बिगड़ा क्या, उन्होंने गोलियां मारी है हमारे बच्चों में, मेरा बच्चे को शहीद कर दिया। सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कल से सरकार भी इस घटना को लेकर के दुख जता रही है, निंदा कर रही है। सरकार निष्पक्ष जांच कराए, मेरे बच्चे को न्याय दिलवाए, जो दोषी हैं उनको जेल के अंदर भेजे। जितने नाम आपने कंप्लेंट में दिए थे क्या उनमें से किसी की गिरफ्तारी हुई? पता नहीं, नहीं पता, प्रशासन कुछ नहीं बता रहा। घटना का पूरा जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? जब मुसलमान आतंकवादी, टोटल आतंकवादी है। बिल्कुल, तो ये उनके पिता हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूरी घटना के पीछे साफ तौर पर मुस्लिम लड़के थे, उनका हाथ है। तो आपने देखा कि चंदन का परिवार क्या कहता है, अब देखते हैं कि चंदन के दोस्त क्या कहते हैं। जो चंदन सामाजिक कार्यों के लिए आगे बढ़ता था और जब वो हर सर्दी में स्वेटर और कंबल बांटता था तो मुसलमानों को भी बांटता था, मित्र क्या कहते हैं चंदन के, इसको देखते हैं। इस वक्त हम चंदन गुप्ता के घर मौजूद हैं और चंदन गुप्ता के घर पे वो लोग भी मौजूद हैं जो उनके साथ रहते थे, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलते थे। बात करते उन्हीं लोगों से। ब्लड डोनेट करता था, बच्चों को, गरीब बच्चों को कपड़े वगैरह दान कराना, और एक विद्यार्थी भी था वो BCOM फाइनल कर रहा था और बहुत ही बढ़िया कार्य करता था। आप ये समझ लीजिए उस लड़के ने इतना बढ़िया कार्य करता था, उसके साथ ये भी हुआ। ये दुर्घटना बहुत दुखद दुर्घटना है और उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरी प्रशासन से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग है कि मृतक के परिवार के लिए, एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी और मुआवजा प्लस जो उन्होंने ये कांड किया है, क्योंकि ये दोषी हैं, ये तो हमें पता नहीं कि ये दोषी कौन है क्योंकि वहाँ हम उपस्थित नहीं थे। तो ये तो दायित्व प्रशासन का बनता है और हम प्रशासन से पूरी उम्मीद करते हैं कि प्रशासन हमें ये सहयोग करे और उन दोषियों को सख्त सख्त यानी कि उन पे NSA लगे और उनको सख्त कार्रवाई करिए और उन पर किसी प्रकार की कोई भी रियायत नहीं दी जाए, ये हम लोगों का आप लोगों से कहना है। गणतंत्र दिवस पर रेगुलर रैली निकलती है, हर हमेशा निकली है। अब ये इनकी प्री प्लानिंग है पूरी तरीके से करने की कि इनके अगर इनको रैली निकलेगी इनको रोकेंगे। उसी रोकने में मतलब इतना उम्मीद नहीं थी कि लोग इतनी तैयारी से वहां पर बैठे हैं कि इस तरह की भी हरकत कर सकते हैं, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। ऐसा तो होता है कि वहां संदिग्ध एरिया हम लोगों के लिए माना जाता है, वो एक तरह से हम उसको पाकिस्तानी बोलते हैं उस एरिया को जहां पर रहते हैं। बिल्कुल प्री प्लान थी, क्योंकि वहां तेजाब की बोतलें और एसिड वगैरह ये सब वहीं मौजूद था और पत्थर थे जिसमें इन बच्चों में पथराव किया गया है और डायरेक्ट बिल्कुल उनके स्टेट फायर मारे हैं जिसमें कि 2-3 बच्चे घायल भी हुए हैं और एक चंदन ने जो बच्चा है हमारा भतीजा इसको डायरेक्ट गोली लगी है, वही मृत हो गया। तो इसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये विवाद भले ही 26 जनवरी 2018 को हुआ हो, इसकी नींव पहले से पड़ी हुई है। कहां से इस नींव की शुरुआत हुई, झगड़े की शुरुआत हुई? और 2 दिन पहले मंदिर को लगाने वाला, मंदिर में अगर गेट लग जाए तो हमारे वहां के कुछ लोगों ने विरोध किया, मुसलमानों ने विरोध किया, उसका पूरा विवाद क्या है? चंदन की मौत पहले से कैसे प्लान है, इस रिपोर्ट को देखिए। कासगंज की पूरी घटना की अगर बात करें तो इसमें एक नया विवाद अब ये सामने आ रहा है कि दरअसल चामुंडा मंदिर जो है, चामुंडा देवी का मंदिर है, मंदिर का जो मुख्य द्वार है वहां पे एक बड़ा गेट लगाने की बात की जा रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, ये मंदिर का प्रवेश द्वार है जो आप सामने देख रहे हैं और इस द्वार से पहले एक मुख्य द्वार है और उस मुख्य द्वार पे एक भव्य गेट लगाने की बात जो है वो लगातार की जा रही है। लेकिन जब भी वो बात की जाती है तो एक विवाद की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। मंदिर परिसर की बात करें, बहुत पुराना मंदिर है ये और मंदिर के ठीक बगल में ये जो हिस्सा है, मंदिर के बगल का जो ये हिस्सा है, ये किला नुमा है। यहाँ राजा का किला था और उसी राजा के किले के बगल में ये चामुंडा देवी का भव्य मंदिर है जो अभी निर्माण कार्य यहाँ पे चल भी रहा है। इसको बनाने का जो काम है नए तरीके से वो भी एक तरफ किया जा रहा है,
मंदिर को सजाने और सवारने का काम किया जा रहा है, और मंदिर के ठीक बगल में मुस्लिम आबादी है, और आबादी नहीं एक बड़ा वोट बैंक इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहां से शुरू हो जाता है पूरा मुस्लिम आबादी का इलाका। बडूपुर की बात करें, इस्माइलपुर की बात करें, ये दोनों इलाके यहीं से शुरू होते हैं। मंदिर के पुजारी हैं मेरे साथ। सर, ये कितना पुराना मंदिर है और कब से आप यहाँ पे हैं? ये मंदिर कम से कम हमारे पूर्वज बताते हैं 200-250 साल पुराना मंदिर है, और ये 9 देवी प्रकट हुई है पीपल के पेड़ में से, और ये गेट 1901 से बना हुआ है। ये तीनों गेट 1901 से बने हुए हैं, और चलती हुई आबादी है इस गेट पर, तो जब रोकने को या गेट लगाने की बात आती है तो हर किसी को परेशानी होगी, तो इसलिए उस गेट का के निर्माण की बात होती है तो कुछ परेशानियां आ जाती हैं। हर किसी में सबसे ज्यादा मुस्लिमों को परेशानी होती होगी, क्योंकि पूरा एरिया ही उन्हीं का है, आना जाना सब निकलना उन्हीं के लिए है, और सबके लिए अब दर्शनार्थी आते हैं तो गंदगी वगैरह होती है तो परेशानी तो होती है। आप उस दिन यहाँ पे थे जब ये पूरी घटना हुई और लोग भग रहे थे और ये पूरी बाइकों को जलाने का काम शुरू हो चुका था? जब घटना हुई थी तब मैं मंदिर पे ही था, पर मुझे 9:30 बजे करीब एक भक्त ने आके बताया था कि बिल्लाम गेट पर बसें फसें फोड़ी जा रही हैं और तनाव फैल गया है, गंदगी रहती है। पहले तो यहाँ पे दीवार नहीं थी दोनों साइड, तो लेटरिन वगैरह पेशाब वगैरह गेट पे करते हैं लोग, वहाँ के जो गेट भव्य बनाए हैं मंदिर के स्थल उसी के पास पेशाब टॉयलेट फॉयलेट लेटरिन करते हैं, तो गंदगी होती है, पर इन लोगों से कहते हैं तो मानते कहाँ है। तो आपने देखा कि 26 जनवरी की प्रतीक्षा एक तरीके से हो रही थी कि इस दिन हिंदू सड़क पर आएगा और उसको सबक सिखाएंगे, और ऐसा सबक कि दोबारा कोई तिरंगा झंडा हाथ में लेने की हिम्मत नहीं करेगा। काजी जी, अगर ऐसे राष्ट्रीय मौकों पर भी इस प्रकार की बात होती है, जिस प्रकार से राष्ट्रीय पर्वों पर सब लोगों ने एक होने की उम्मीद की जाती है, नहीं 365 दिन, तो कम से कम ऐसे दिनों पर तो जब उम्मीद की जाती है तब भी अगर देशद्रोही सड़क पर उतर कर देशभक्तों को रोकेंगे तो क्या होगा? देखिए, मैंने जब से होश संभाला है मैं देखता हूं कि चाहे 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो, यहाँ तक के जितने भी हमारे नेशनल पर्व होते हैं, चाहे वे दिवाली हो, होली हो, मैं समझता हूँ कि चंद लोगों की बात छोड़ दीजिए, उनकी बात मैं नहीं करना चाहता, लेकिन सब लोग बहुत धूमधाम से पूरे जश्न के साथ ये पूरे पर्व मनाते हैं। हम उनकी बात करने यहाँ एकत्र नहीं बैठे, हम उन चंद लोगों की ही बात करने के लिए बैठे हैं जो शुरू में चंद होते हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो लोग देखेंगे, पाकिस्तान ले बैठते हैं, योगी आदित्यनाथ देखेंगे, नरेंद्र मोदी देखेंगे, अमित शाह देखेंगे उसमें, क्योंकि आप सारी की सारी जो आपके 30 स्टेट हैं उसमें 28 तो आप क्या करेंगे? वो अगर कोई एक्शन लेंगे तो आप कहेंगे मुसलमान पे डर गया, मुसलमान के ऊपर अत्याचार हुआ, मुसलमान पे अन्याय हुआ, मुसलमान को दबाया जा रहा है, इस देश के ऊपर राष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ हमीद अंसारी जैसा आदमी बोलेगा कि क्या क्या किया जाता है? ऐसा है, राष्ट्रपति से लेके और जितनी स्टेट गवर्नमेंट है ज्यादातर वहाँ सब बीजेपी की हुकूमतें हैं, और ये मुल्क कानून से चलेगा। आप सुनिए भाई, ये जो मुल्क चलता है कानून से चलता है, मुझे कोई पावर नहीं है कि अगर कोई अपमान कर रहा है झंडे का, नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कर रहा है तो हुकूमत देखेगी, सरकार देखेगी, पुलिस देखेगी। आप कम से कम निंदा तो करिए गाजी जी, हर आदमी क्या केवल निंदा से क्या होगा, बोलिए कि ऐसे लोगों को गोली मारनी चाहिए, कानून बदलना चाहिए, कभी नहीं कहेंगे गोली संविधान मारेगा, नहीं कहेंगे। अगर आप कहेंगे गोली मारेंगे तो आप पे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हम उससे डरते नहीं, अदालत फैसला करेगी, हमें पता है कि इस देश के अदालत आपको योगी जी पे विश्वास है कि नहीं है, आपको योगी जी पे विश्वास है कि नहीं है, आपको नरेंद्र मोदी पे विश्वास है? मुझे इस बात पर ज्यादा विश्वास है कि कोई सत्ता में बैठ गया मतलब आप हाथ का हाथ धरे मत बैठो, इस पे मेरा ज्यादा विश्वास है, आप लोग सहमत होंगे। अभी पद्मावती, अगर हमने हमारे अंदर का पुरुषार्थ कहा है, सब सारी काम अगर मच्छरों को भी अगर मोदी ने मारना है तो हमारे अंदर की हिट क्या काम के है? अभी पद्मावती रिलीज हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ सुरेश जी, एक बात मैं सारे हिंदुओं से बहुत निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए सुरेश जी, आपने अभी एक बहुत अच्छा सवाल उठाया, और ये मेरे बच्चे ने बहुत अच्छी कविता भी इसके बारे में सुनाई कि अवार्ड वापसी गैंग, जैसे ही कोई मुसलमान की हत्या होती है अवार्ड वापसी गैंग एकदम शुरू हो जाता है। हम हिंदुओं को केवल दूसरों की निंदा छोड़कर अपने भी कुछ ऐसे लोग तैयार करने चाहिए। क्या अवार्ड इस देश में हमेशा कम्युनिस्टों को ही मिले हैं?
लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हमारी, हम हिंदुओं के लिए जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं वो भी नहीं बोलते, वो भी चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं और लोग हिंदुओं के कत्ल को थोड़े दिनों में भूल जाते हैं। उनका एक आदमी कत्ल हो सारे लोग इकट्ठे होकर चिल्लाने लगते हैं। आज मैं यहां स्टूडियो में देख रहा हूं लड़कों में बहुत जोश दिखाई दे रहा है, लेकिन यही जोश अगर सड़कों पर दिखाई देता तो हुकूमत को वास्तव में हमारी बात सुनने के लिए मजबूर होना पड़ता और फिर ऐसे हादसे दोबारा कभी नहीं होते। बिल्कुल हाँ, देखिए अभी काजी जी कह रहे थे कि हमारा डीएनए देखिए, हम आपसे ज्यादा देशभक्त हैं। अरे डीएनए की बात क्या, लेकिन तो मैं बता रहा हूँ, मैं इनको घसे पीटे डायलॉग डीएनए तो दाऊद का भी होगा, तो मैं डीएनए कहेंगे कि आप दाऊद, मैं इनके डीएनए पे ही बात कहूंगा, मैं इनके डीएनए के बारे में बताता हूँ कि हमें क्यों करते हैं, जिसको नकारना पड़े आप नकारना पड़े ऐसा तर्क देते हैं क्यों, खून का रंग लाल है भाई, खून का रंग लाल है, उसके बाद भी थी, मैं इनके डीएनए के बारे में बताता हूँ, हमको इनके डीएनए के उसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी सर्टिफिकेट की, क्योंकि जो लोग जेएनयू में नारे लगाते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, उनका डीएनए कभी भी हिंदुस्तान के प्रति प्रेम नहीं रख सकता। ये बात तो हमको कहनी चाहिए कि चंदन हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं। उन लोगों पर जिन लोगों ने जो तिरंगा यात्रा निकल रही थी, वो बड़े गौरव की बात है हिंदुस्तान के अंदर को तिरंगा लहरा रहा है, तिरंगा यात्रा निकल रही है, जहां से मुस्लिम मोहल्ले से वो तिरंगा यात्रा निकली, उन लोगों को वहां पर समर्थन देना चाहिए था, देश का गौरव जा रहा था, सल्यूट करना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने पथराव करके गोलियां बरसाकर देशद्रोह का काम किया है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। देशद्रोह का मुकदमा भी काम का नहीं रहा। एक मिनट में आपको अपडेट करना चाहता हूं, हिंदुस्तान की आजादी से लेके आज 2018 में हम ये शो कर रहे हैं, क्या आपने कभी देखा कि देशद्रोह के मुकदमे में किसी को कुछ हुआ? सुना है दूसरे दिन जमानत होती है, बल्कि ऐसे मुकदमे के बाद उसको पता चल जाता है कि इस देश के कानून ने चुड़िया पहनी है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो कल से फिर देशद्रोह करना लग जाता है। और इसलिए इस देश में देशद्रोह के कानून में सुधार होना चाहिए, और उसी वक्त जैसे गोली मारनी चाहिए उसी वक्त उसका इनकाउंटर करना चाहिए, और जिस देश की गद्दारी करता है उसके कानून में दुरुस्ती होनी चाहिए। हाँ, आज बहुत ही दर्द का विषय है कि हम एक ऐसे हिंदुस्तान में हैं जहाँ पे ना तो हम अपनी माँ की जो एक सारी संपूर्ण नारी का गौरव है उसकी उसके लिए कुछ भी कह सकते हैं, और ना ही हम भारत माता का सम्मान कर सकते हैं। तो अभी अभी आदरणीय गाजी जी ने कहा था कि योगी जी हैं, मोदी जी हैं, वो अपना निर्णय देंगे। तो मेरा ये कहना है, मैं सभी से आह्वान करती हूँ, पूरी सरकार से आह्वान करती हूँ कि उन कातिलों को मौत की सजा दी जाए, उनको फांसी दी जाए। क्या इस फांसी के लिए यहाँ ये दो मुस्लिम भाई बैठे हैं, क्या ये हाँ करते हैं, क्या ये मेरी बात से सहमत हैं? और यदि फांसी दी जाती है उनको तो क्या ये हाँ करेंगे, क्या ये कहेंगे कि हाँ? बोलिए गाजी जी, बोलिए। इतना ही दर्द इन्हें जब होता जब ऐसे दो मुसलमान मारे जाते, दो जवाब जिस देश में आपको फांसी देने पर आप लोग अभी भी रोते हैं, क्या देशद्रोही को फांसी देने पे चुप बैठेंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं हम देखिए बिल्कुल चुप नहीं है, हम बिल्कुल चुप नहीं है। हम इस मुल्क के संविधान को होली बुक मानते हैं, और जो संविधान, जो अदालत, जो हुकूमत फैसला करेगी, और खास तौर से चूंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की हुकूमत है, जो वो फैसला करेगी हम उसके साथ हैं। एक मिनट, अभी अभी मुबारक जी को पूछ लेते हैं, मुबारक जी को पूछते हैं, मुबारक जी आप बताइए क्या क्या, एक मिनट, मुबारक हुसैन, क्या इस देश की अदालत देशद्रोह के बदले में अगर फांसी की सजा इस तिरंगे वाली यात्रा को रोकने वाले के ऊपर देते तो आप इसको स्वीकार करेंगे? बिल्कुल करेंगे स्वीकार। ये अब आपने अच्छी बात कही है, लेकिन ये बात आप जैसे देखिए, तिरंगे की इज्जत करने के लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं और बहुत सारे लोग जेलों में गए हैं। हिंदुस्तान की तारीख में बहुत सारे केस होते रहते हैं और जिसमें लोगों को सजाएं हुई हैं। अभी बहुत जल्दी किसी को सजा हुई थी, और हिंदुस्तान का वो सजा इस देशद्रोह के मन में खौफ पैदा करने लायक नहीं है, और जो भी नहीं करेगा वो उसको जेल में जाता है, उसके खिलाफ एक्शन होता है। जेल में जाके क्या करेगा? हमारे टैक्स से दिए हुए पैसे से रोटी खाएगा, घर में खाने को नहीं, जेल में जाके बैठेगा। देश जो है वो कानून से चलेगा, आपके जज्बात से नहीं चलेगा। काश जज्बात से चलता तो देशद्रोही साफ यहाँ पर नहीं होते। मोदी जी को कहिए ऐसा कानून, और ये कहेंगे करवाएंगे और कानून बदलवाएंगे, देशद्रोहियों के प्रति ध्यान रखिए। हाँ,
सुरेश जी एक छोटी सी मैं बात मैं काजी जी से ये पूछना चाहता हूँ। सुरेश जी मैं आपको एक बात याद दिला दूं, अभी कुछ हफ्ते पहले इसराइल के प्रधानमंत्री हमारे देश के अंदर आए थे। आपको ये ज्ञात होगा कि इसराइल एक यहूदी देश है और उसके चारों तरफ मुस्लिम कंट्री हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है इसराइल की तरफ आंख उठाने की, क्योंकि वहां की जो संविधान इतना मजबूत है और वहां के लोग इतने मजबूत हैं, इतने देश प्रेमी हैं कि वो किसी को नजर उठाने देते। दूसरी बात, आपने अभी कुछ महीने पहले आपने देखा होगा म्यांमार के अंदर क्यों वहां पे मुस्लिम थे और मुस्लिमों को वहां से भगाया गया। क्यों भगाया गया? क्योंकि उसके देश के खतरे होने आशंका थी और उनके मुसीबत आ रही थी उस देश के लिए, लेकिन उन्होंने एक फैसला लिया और वहां से उनको हटाया। लेकिन उसके साथ साथ यही होना पड़ेगा, जब तक हिंदुस्तान के अंदर इन गद्दारों को सही नहीं किया जाएगा, जब तक इनको भगाया नहीं जाएगा, तब तक ये हिंदुस्तान भी सुधरेगा नहीं। मैं इसके बिल्कुल मोदी जी से कहना चाहता हूं कि इस तरह का संविधान और देश की अपने कानून लेके आए कि जो भी हमारे देश का सम्मान नहीं करेगा उसे पाकिस्तान या बांग्लादेश भेज देना चाहिए, हिंदुस्तान के अंदर उसकी कोई जगह नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी हो, कोई भी हो, कैसे भी हो, कैसा भी हो, सबके लिए सजा एक जैसी होनी चाहिए। माइक दीजिए इनको, माइक दीजिए। वो गद्दार थे, कोई शरणार्थी नहीं थे, वो घुसपैठिए थे, वो आतंकवादी हैं और उनको यहाँ का मुसलमान कार दे रहा था, उनका समर्थन हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ये वही सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं होता महाराज जी, चिल्लाते खुद चिल्लाइए। हमें मौका दीजिए, एक मिनट गाजी जी, आप एक मिनट, आप कह रहे हैं कि बात कर रहा हूँ, आप ही की बात कर रहा हूँ। देखिए सुप्रीम कोर्ट का रोहिंग्या के मामले में फैसला आ चुका है, हिंदुस्तान का कोई मुसलमान उनको सपोर्ट नहीं करता, बल्कि यहाँ के जो सिख हैं उन्होंने उनको खाना खिलाया है, उन्होंने उनको कपड़े दिए और उन्होंने कहा है कि सिख मर सकता है, सिख ही नहीं मर सकती, तो आप उनके खिलाफ भी बोलिए। एक मिनट रुकिए गाजी जी, आप हमको सिखों से लड़वाना चाहते हैं? नहीं, तो सिखों ने, सिखों की ये सिखियत है, ये उनके संस्कार है कि वहाँ पर औरंगजेब भी अगर जाता तो उसको भी खाना खिलाते। ये हमारा बड़प्पन है, महानता है, ये भारत के संस्कृति की महानता, ये आप नहीं समझेंगे। अरब संस्कृति में होगा, अरब संस्कृति में होगा, वो उसको नहीं खिलाते होंगे। लेकिन 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 जिस सुप्रीम कोर्ट की मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट को बसा दिया जाएगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, नेट पे प्रतिबंध लगाया गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, उसके बारे में बात करना कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आपके घर में रखते हो आप, बात करिए ना, यहाँ का मुसलमान उन्हें दमाद बना के, तो आप जो क्या बात कर रहे हैं, आप बनाते होंगे, मुसलमान नहीं बनाता, बेकार की बातें कर रहे हैं। दीपक मिश्रा आए ना फैसला, तो एक बात माइक लीजिए। हाँ, अभी आप एक तरफ कह रहे कोर्ट का सम्मान करो, बांग्लादेशी घुसपैठियों को इस देश से बाहर निकालो, कोर्ट बोल चुका है कि उन्हें आप लोग लाया कौन था उनको, हम लाए कि आप लाए? जिन्होंने लाया, किसी ने भी लाया, बिठाया ना अपने घरों में। आपके लोग क्या कर रहे थे जब वो अंदर घुसते हैं, तो आप सोते रहते हो? हाँ, ये सोने का ही परिणाम है, ये सोने का ही परिणाम है। ये एक मिनट, एक गलती, हम इंडिया कैसे आए, बांग्लादेशी कैसे आते हैं? आपके पुलिस, आपकी आर्मी, आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या करते रहते हैं? ये देखिए सुरेश जी कर रहे हैं, हिंदू का सबसे चार नजर आते हैं। सुरेश जी आप एक मिनट उनको, आपको एक मिनट, आपको आपका शब्द वापस लेना पड़ेगा, या तो हमारी हमारी कहो, हमारी कहो, कम से कम सेना के बारे में तो ऐसे शब्द मत बोलो। सुरेश जी दिखाने के लिए तो कम से कम बोलो, हमें पता है दिखावा है। सुरेश जी जब तक ममता बनर्जी जैसे नेता इस देश को वोट के लिए बेचते रहेंगे, तब तक ये रोहिंग्या और ये बांग्लादेशी इस देश के अंदर बसते रहेंगे। बिल्कुल बोलिए, ये सबसे बड़ी बात है। अभी काजी जी संविधान का हवाला दे रहे थे और सर्वोच्च न्यायालय का हवाला दे रहे थे। मैं काजी जी से पूछना चाहता हूं कि अभी सर्वोच्च न्यायालय ने 3 तलाक पर अपना निर्णय दिया और भारत सरकार ने लोकसभा के अंदर कानून बनाया और उसको राज्यसभा में इन्हीं के लोगों ने उसको जो है रोक दिया। एक मिनट रुक जाइए, रुकिए पहले ठीक है, काजी जी सुनना सीखिए। पहली बात, दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दादरी के अंदर विसारा कांड हुआ, ऑन रिकॉर्ड
मैं गवर्नमेंट के साथ रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, विसारा के अंदर दादरी कांड हुआ, एक गौ हत्यारे को इतना महिमा मंडित करके पूरे विश्व के पटल पर प्रदर्शित किया गया, लेकिन एक चंदन मैंने बोलूंगा चंदन जो देशभक्त तिरंगा यात्रा निकाल रहा था, देशभक्त को आप लोगों ने दारी की बू देते हुए पाकिस्तान का नारा लगाते हुए वहाँ उसको उसकी हत्या की। आपका क्या होना चाहिए, देश की जनता मांग करना चाहती है। ठीक है, पीछे पीछे माइक देना। हाँ, हिंदू रक्षा दल से प्रदेश अध्यक्ष, जब शंभूलाल के लिए परिवार के लिए जब शंभूलाल ने जिहादी को मारा था तो पूरे देश का मुसलमान एक हो गया था, और उसे सजा दिलाने के लिए उन्होंने जगह जगह प्रदर्शन किए, आगे लगाई, लेकिन अभी तक एक हिंदू चंदन के लिए किसी ने भी हिंदू ने आज तक कोई आग नहीं लगाई होगी। और जो पद्मावती फिल्म के लिए विरोध किया, दिन रात सिनेमा घरों के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन चंदन एक हिंदू जो कासगंज में मारा गया है उसमें किसी ने भी अब तक विरोध प्रदर्शन किया। केवल फेसबुक पर राम मंदिर बनाते हैं, सुबह से लेकर राम मंदिर बनता है और शाम को फिर खत्म हो जाता है, और फिर सुबह से राम मंदिर फेसबुक पर बनाने का काम करते हैं। हिंदू रक्षा दल इसका पूर्ण रूप से विरोध करता है, और हमारे गुरुजी हमारे सामने बैठे हुए हैं और वो भी इसका पूर्ण रूप से। ठीक है, हाँ, इस चीज का ठीक है, आगे। हाँ, हम लोग विरोध कर रहे हैं, हम लोग पूर्ण, हम लोग अभी भारत बचाओ की यात्रा के लिए लखीमपुर से जा रहे थे, हमने यहाँ पे गाड़ी बीच में रोकी, हम लोग टॉयलेट करने के लिए निकले, सामने से सिर्फ आपको 10 फुट की मस्जिद होगी, वो उस बंदे ने हमने जैसे टॉयलेट करके गाड़ी के पास में आए, पाकिस्तान का झंडा वहां से उतार के उसने हमारी गाड़ी के सामने लगा दिया। ये अभी की घटना है। और अभी जो काजी साहब पूछे थे, मैं उनसे पूछता हूं कि हमने जो यात्रा निकाली कि हम दो हमारे दो तो सबके दो, क्या तैयार है? मैं जब संजय गांधी क्या तैयार है प्लानिंग की, जब स्कीम लाए थे, मैं तब से लेके और मैंने सुदर्शन चैनल पे कई बार बोला है कि जब तक फैमिली प्लानिंग जो संजय गांधी ने शुरू की थी और उसमें उन्होंने बहुत काम भी किया कि दो बच्चों से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मैं उसका आज भी हिमायती हूँ, कल भी रहूंगा। और चूंकि अगर आबादी ऐसे ही बढ़ती गई तो पानी बिजली यहाँ तक के ऑक्सीजन सब चीजें कम पड़ जाएंगी, हमारा देश जो है बहुत ही तराई तराई मच जाएगी। और मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से चाइना में साथ में ये भी बोल दीजिए ना कि बीबी भी एक ही होनी चाहिए, ये भी बोल दीजिए, बीबी भी एक ही होनी चाहिए। ऐसा है आपके साथ, आप या तो बोल लीजिए या तो काम की बात सुन लीजिए। मैंने तो यहाँ तक बोला, आप सुनिए, आप बोलिए, आपको नॉलेज दी। मैंने तो ये कहा था कि चाइना अभी एक मॉरिटोरियम लाया था और उसमें यह कहा कि एक बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं करना है, सबने उसको माना। आज चाइना की पोजीशन ये हो गई है कि चाइना अब ये कह रहा है कि साहब बच्चे पैदा कीजिए। नहीं, एक मिनट, कुछ भी मत बोलिए, एक मिनट। उन्होंने एक बच्चे के पॉलिसी में केवल इतना दुरुस्त किया कि आप दूसरा बच्चा पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो चाइनीज मूल के जो धर्म हैं, केवल उनको अलाउड है, उसमें इस्लाम अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखिए। उन्होंने एक मॉरिटोरियम लाए, सुनिए, दूसरी एक मिनट, भाई आप छोड़िए, मस्जिद जिसने तोड़ी उसको जानी, मैंने नहीं तोड़ी। चलिए, हम तो हमारे दो पे बात निकली है तो हम जरा पूछ लेते हैं मुबारक जी से। मुबारक जी, हम दो हमारे दो तो सबके दो, क्या कहना है? मुबारक जी तो नीचे देख रहे हैं। मैं इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं नहीं बोलता, बोलने के लिए दूसरे लोग हैं। मैं तो ऑडियंस हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, जब मेरी बात सुनी नहीं जाती है, जब मेरी बात सुनी नहीं जाएगी तो मैं पागल नहीं हूँ जो भुगता रहूंगा। सुरेश जी बोलता, सुरेश जी मौलाना जी को हम तो हमारे, आप लोग बोलिए खूब, इसलिए आज मैं सुनूंगा। हाँ ठीक है, मेरे पास नहीं, आपके पास आप बोलो, ठीक है मेरे पास नहीं है, मैं कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, मेरे पास नहीं है, हाँ ठीक है, नहीं, सुनने का माध्यम नहीं किसी के अंदर। सुरेश जी, सबसे बड़ी त्रासदी हिंदुओं की ये है कि हमने अपने धर्म का मजाक खुद बनाकर रख दिया है। बोलने का अधिकार छीन लिया गया हमारा, लोगों की कोई औकात, हमारा तो अधिकार छीन लिया गया बोलने का, इस तरीके से हमारे बच्चों को सड़कों पे कत्ल कर देते,
ये हमारी अपनी कमी है। और जब तक हिंदू अपने धर्म का मजाक बनाता रहेगा सुरेश जी, हम अपने बच्चों की लाशें अपने कंधों पर ढोते रहेंगे। ना तो कोई राजनीति और ना कोई प्रशासन हमारी मदद करने आएगा। आज ये हमारा दायित्व है कि हम अपने बच्चों की सुरक्षा अपने हाथ करें। खुद जिस तरीके से ये बहस जा रही है सुरेश जी, धर्म का मजाक हम लोगों ने बना दिया है। रोज लाशें आती हैं, लेकिन हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इनके घर में लाश आती है, हम में और इनमें ये अंतर है कि एकजुट होकर ये कम से कम रोते तो हैं। हम तो एकजुट होकर एक मुद्दे पर कभी रोते भी नहीं। मेरा मौलवी साहब से एक सवाल है। मौलवी साहब जरा ध्यान से सुनिएगा, जो वहाँ भाई हमारा मरा है उसकी उम्र लगभग हमारे जैसी है, एक यूथ था वो। उसने अपने जीवन शुरू भी नहीं किया था सही तरीके से, ना उसकी शादी हुई थी, ना उसने देखा था कुछ, और उसे केवल इसलिए मार दिया गया कि वो भारत माता की जय के नारे लगा रहा था, उसने हाथ में तिरंगा ले रखा था। क्या मौलवी साहब वो सही हुआ? अगर ऐसा आपके किसी साथी के साथ हो जाता तो आप ढिंडोरा मचा देते और जगह जगह रैलियां और वो अड़गम सड़गम करने लगते। क्या हम अपनी बात आप तक रख भी नहीं सकते? आप बार बार कह रहे हैं कि हम आपकी आवाज दबा रहे हैं, दबा रहे हैं, कहां दबा रहे हैं हम आपकी आवाज? देखिए इतने गंभीर मुद्दे पे बात हो रही है और मुबारक जी पुस्तक पढ़ रहे, पता नहीं कौन सा है। सुरेश जी 10 सेकंड लूंगा मैं। क्या सनी लियोनी का कुछ पढ़ रहे हैं क्या? सुरेश जी सुरेश जी 10 सेकंड लूंगा। सुरेश जी साध्वी जी, सुरेश जी, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम हिंदुस्तान में रह करके आज हिंदुस्तान नहीं मांग सकते। ये हमारे देश का दुर्भाग्य कि हम हिंदुस्तान में रहकर क्या मांग रहे हैं? हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तान में रहकर क्या मांग रहे हैं कि हम दो हमारे दो, ये कहने का भी हक हमें। हम दो हमारा एक, पहली बार सही बात की है तुमने। काजी जी जब आपका नंबर आया था तब तो आपने छह छह कर लिया और अभी दूसरे को आप कह रहे कि एक करो। भाई ऐसा है, अगर सुनिए, अगर एक इंडिविजुअल की गलती है वो हम देश पे लाते हैं, तो आप गलती मानते हैं भाई? उस वक्त हालात दूसरे थे, अब ऐसे तो लालू जी के 12 हैं। आज के कार्यक्रम में कुल मिलाकर हमने इस मुद्दे पर चर्चा की कि क्या ये घटनाएं भले ही अभी हमारे सामने आई हो और चंदन गुप्ता की शहादत हो गई हो, लेकिन चंदन गुप्ता की शहादत पहली नहीं है, कम से कम आखिरी हो सकती है क्या? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अभी भी हम जवाब तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि पूरे देश ने मिलकर इसका जवाब जब तक नहीं ढूंढेंगे और देशद्रोह का कानून सख्त नहीं होगा, तब तक इस देश में राजपथ तो बड़े बड़े हमारे मिसाइल प्रदर्शन के लिए दिखाए जाएंगे, लेकिन हम तिरंगा गली में भारत माता की जय के साथ नहीं फैल सकते। दुखद है, उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे और उसके लिए जी जान लगाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।